हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीएस राठौर। मैं वेक्टर स्पेस का ये 8वां वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। और इसके पहले जो वीडियो लेक्चर्स था उसमें हमने वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस और वेक्टर सब स्पेस पे बेस्ड जो क्राइटेरिया बेस्ड थ्योरम्स हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लीनियरली डिपेंडेंट सेट, उस पर बेस्ड थ्योरम्स और लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेक्टर्स के डिडक्शंस, उस पर बेस्ड एग्जांपल देखा। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बेसिस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, उसका डेफिनेशन। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा कि वेक्टर स्पेस में बेसिस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी इस वीडियो लेक्चर में जो थ्योरम्स देखेंगे वो बेसिस पे ही बेस्ड हैं। तो बेसिस क्या होता है? जो सेट है, मान लीजिए V एक वेक्टर स्पेस है और S उसका एक सबसेट है, तो S जो है V का बेसिस कहलाता है यदि फर्स्ट कंडीशन S लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, सेकंड कंडीशन लीनियर स्पान ऑफ S V के इक्वल, तब S V का बेसिस कहलाता है। तो ये डेफिनेशन, और इस पर बेस्ड एक एग्जांपल भी हमने वीडियो लेक्चर में देखा था, 7th नंबर का वीडियो लेक्चर में। और अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं 7th वीडियो लेक्चर तो उसको पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो लेक्चर को देखिए। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या थ्योरम है उसका स्टडी करते हैं। पहले हम देखते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है? कोई वेक्टर स्पेस है भी, वो फाइनाइट डायमेंशनल कब कहलाता है? यदि इसका एक सबसेट एस, यदि इसका कोई एक सबसेट एस है, कैसा? फाइनाइट सबसेट, जिसका लीनियर स्पान वी के इक्वल है। V फाइनाइट डायमेंशनल कब कहलाएगा? अगर V का एक फाइनाइट सबसेट जिसका लीनियर स्पान V के इक्वल है, या हम बोल सकते हैं कि अगर V अपने किसी फाइनाइट सेट S से जनरेट होता है तो V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहलाता है। क्लियर हो गया? तो चलिए थ्योरम पे चलते हैं, एग्जिस्टेंस थ्योरम। क्या है स्टेटमेंट? देयर एग्जिस्ट ए बेसिस फॉर इच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लें उसका एक बेसिस अवश्य होता है। बाकी वेक्टर स्पेस का बेसिस होगा या नहीं होगा हम कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसका बेसिस अवश्य होता है, एग्जिस्ट करता है। तो यही थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं कि वी एफ क्या है? एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है यानी ये अपने एक फाइनाइट सबसेट से जनरेट होता है, तो वो फाइनाइट सबसेट हमने मान लिया सेट एस, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एम, एम मेंबर्स वाला एक सबसेट वी का, जिससे वी स्पान होता है, मतलब इसका लीनियर स्पान वी के इक्वल होता है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि वी का एक बेसिस होता है, वी का एक बेसिस एग्जिस्ट करता है, इसीलिए एग्जिस्टेंस थ्योरम बोलते हैं। तो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी में एज्यूम डैट मेंबर्स ऑफ एस आर नॉन जीरो। हम व्यापकता की हानि किए बिना ऐसा मान लेते हैं कि इसके सारे वेक्टर्स नॉन जीरो हैं, इसमें कोई लॉस नहीं है ऐसा मानने से। अब अगर एस, देखिए एस के बारे में हमको नहीं पता कि ये कैसा सेट है, कैसा सेट है मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि लीनियरली डिपेंडेंट है, इसके बारे में हमें नहीं पता। तो अगर ये एस लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो देखिए एस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है,
पहला कंडीशन एल एस इक्वल टू बी, दूसरा हम एस को लीनियरली इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, तो एस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो एस क्या बन जाएगा, बेसिस हो जाएगा, और इस केस में थ्योरम यहीं पर प्रूफ हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एस को लीनियरली इंडिपेंडेंट कहाँ दिया है, नहीं दिया है, मतलब ये डिपेंडेंट भी हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन पे लेके चलते हैं। इंडिपेंडेंट हुआ तो थ्योरम का प्रूफ यहीं कंप्लीट हो जाता है, और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है तब कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए एस अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो उसमें एक ऐसा वेक्टर होता है जो अपने प्रिसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, तो वो वेक्टर हमने यहाँ पर क्या माना, अल्फाई। अल्फाई अपने पहले आने वाले वेक्टर्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फाई माइनस वन का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम अल्फा आई को सेट एस से माइनस कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। सेट एस में अल्फा वन अल्फा टू अल्फा आई प्लस वन अल्फा एम सब था। अब जो वेक्टर अपने पहले आने वाले वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन था उसी वेक्टर को इस सेट से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तब क्या आता है, एक नया सेट एस डेस बन जाता है। अब ये जो नया सेट आया है एस डेस वो भी वी को स्पान करता है। इसको प्रूफ करके बता देते हैं कि एक एलिमेंट हटाने के बाद भी ये वी को कैसे स्पान करता है, देखिए देखते हैं। इसके लिए अल्फा वी का एक मेंबर ले लेते हैं। अल्फा वी का मेंबर है तो अल्फा क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, उसके बेसिस, सॉरी बेसिस बोलता हूँ, ये एल एस इक्वल टू वी है, मतलब वी के सारे मेंबर्स को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अल्फा भी वी का मेंबर है तो अल्फा को भी इसके मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिए। अब हम यहाँ पर जो अल्फा आई है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस ए आई माइनस वन अल्फा आई माइनस वन, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा वन और अल्फा वन वाले को एक साथ रख दिए, अल्फा टू और अल्फा टू वाले को एक साथ रख दिए, और वैसे ही अल्फा आई माइनस वन को एक साथ रख दिया, अल्फा आई प्लस वन भी। तो यहाँ से देखिए अल्फा आई गायब हो गया, हट गया, तो ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन आया, अल्फा आई को छोड़कर सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब एस डेस का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अल्फा वी का एलिमेंट था एल एस डेस में आ गया, इसलिए एल एस डेस वी के इक्वल हो गया। तो क्लियर हो गया, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट था तब तो यही बेसिस हो गया और थ्योरम प्रूफ हो गया, समझिए। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसमें एक वेक्टर होगा जो अपने पहले आने वाले वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और उसी वेक्टर को हम मेन सेट एस से हटा दिए और एक नया सेट कंसिडर कर लिए एस डेस, और ये नया सेट एस डेस भी वी को स्पान करता है, अभी प्रूफ करके बता दिए। अब फिर वही दो केस लेते हैं, अगर ये एस डेस वी को स्पान तो कर रहा है, अगर ये एस डेस लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो यही बन जाएगा वी का बेसिस, और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हुआ फिर से यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे, मतलब फिर इसमें एक वेक्टर होगा जो अपने प्रेसिडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और फिर उस वेक्टर को हटा देंगे एस डेस से तो नया सेट एस डबल डेस लेंगे जिसमें एम माइनस टू वैक्टर्स होंगे, एक एक कम होते जा रहा है, और ये माइनस टू वैक्टर फिर जनरेट करेगा वी को, और वी को जनरेट करेगा फिर वो इंडिपेंडेंट हुआ तो वही बेसिस, नहीं हुआ तो फिर रिपीट करेंगे। ऐसा हम करेंगे फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, और एट मोस्ट क्या होगा, वी अराइव ए सबसेट ऑफ एस विच कॉन्टेन ए सिंगल नॉन जीरो एलिमेंट, ऐसी धीरे धीरे करते करते धीरे करते करते एक एक वेक्टर हटाते जाएंगे, हटाते हटाते क्या बचेगा लास्ट में, अधिक से अधिक क्या होगा, एक सिंगल वेक्टर अल्फा वन बचेगा, और वो अल्फा वन को हमने क्या माना, वो भी वी को स्पान करेगा, और वो सिंगल वेक्टर अल्फा वन नॉन जीरो है, और हम सिक्स्थ वीडियो लेक्चर में जिसमें डिडक्शंस पढ़े हैं लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, उसमें हम पढ़े हैं कि अगर कोई सेट सिंगलटन सेट जो नॉन जीरो एलिमेंट को रखता है
तो वो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये वी को तो स्पान कर रहा है क्योंकि एक एक वेक्टर हटाते जा रहे हैं, तो जो नया सेट आते जा रहा है वो तो वी को स्पान करेगा, तो ये भी वी को स्पान करेगा, एक एक वेक्टर हटाते पहुंचे। और साथ ही साथ ये सिंगल नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है यानी ये बेसिस बन जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम एट लास्ट उसका बेसिस प्राप्त कर ही लेते हैं। तो ये थ्योरम आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, डायमेंशन थ्योरम। डायमेंशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ए वी एफ इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन एनी टू बेसिस ऑफ वी, देन एनी टू बेसिस ऑफ वी हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी हम जो थ्योरम देखे, एग्जिस्टेंस थ्योरम, उसमें हमने ये बताया कि अगर कोई वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसका बेसिस होगा। अब उससे आगे बढ़ रहे हैं इस थ्योरम में, डायमेंशन थ्योरम में। अब ये थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस जिसका बेसिस है, तो दो अलग-अलग बेसिस ले लें, एक वेक्टर स्पेस के आप कई बेसिस हो सकते हैं, तो जो बेसिस होंगे, मान लीजिए दो बेसिस हैं, तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होगा। मान लीजिए S1 और S2 दो बेसिस हैं, तो दोनों में एलिमेंट्स की संख्या इक्वल होगी। एक में मान लेते हैं 50 एलिमेंट्स हैं एक बेसिस में, तो दूसरे बेसिस में भी 50 एलिमेंट्स होंगे, भले ही एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए एक में α1 α2 α50 है, तो दूसरे बेसिस में β1 β2 β50, मतलब एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, चाहे कोई भी बेसिस उठा के देख लें वी का। इस थ्योरम का जो सेंस है वो यही है। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। वी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसके दो बेसिस ले लेते हैं S1 और S2। S1 में हम m एलिमेंट्स मान लेते हैं और S2 में n एलिमेंट्स मान लेते हैं, और हम प्रूफ कर देंगे कि m इक्वल टू n है, दोनों में एलिमेंट्स की संख्या इक्वल है, ये प्रूफ कर देते हैं। अब हम यहाँ पर रोल H2 को, दोनों सब स्पेस सॉरी दोनों बेसिस हैं तो दोनों सबसेट होंगे, तो अभी हम S1 को बेसिस के रोल में ले रहे हैं और H2 को वी के सबसेट के रूप में ले रहे हैं। तो S1 को बेसिस के रूप में लिख रहे हैं, हालांकि ये भी बेसिस है, लेकिन अभी हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उसमें S1 को बेसिस के रोल में ले रहे हैं, इसलिए LS1 इक्वल टू वी हो जाएगा और H2 वी का सबसेट है। वी का सबसेट है यानी β1 वी का एलिमेंट होगा, और ये वी का एलिमेंट है तो वी के एलिमेंट को S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए β1 को क्या किए, S1 के मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, एक नया सेट कंसिडर करते हैं, इस β1 को शामिल कर लेते हैं इसमें, मतलब अल्फा का जो सेट है S1 जो बेसिस है, इसमें ये जो β1 है उसको शामिल करके एक नया सेट बना दिए, और ये जो नया सेट है ये भी वी को स्पान करेगा। ये जो नया सेट है ये भी वी को स्पान करेगा। हम देख सकते हैं कैसे, देखिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं और इस β1 की जगह ये रख दें तो पूरा एक इसमें आ गया, अल्फा में, अल्फा में आ गया यानी अल्फा का लीनियर कॉम्बिनेशन यानी वी हो गया, इसलिए ये वी का मेंबर हो गया, मतलब F3 वी को स्पान करता है। इसका प्रूफ यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली जो नया सेट आया है S3 वो वी को स्पान करता है। ये सिर्फ आप लोगों को क्लियर कराने के लिए मैं यहाँ पर बताया हूँ।
तो हम क्या किए, ये जो बीटा वन है इसको यहाँ पर शामिल करके एक नया सेट बनाया, और ये जो नया सेट है वी को स्पान करता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी इसको हम देख सकते हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्यों लीनियरली डिपेंडेंट होगा, देख सकते हैं, इस बीटा वन को अगर हम राइट साइड लाते हैं, बीटा वन को राइट साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस वन इंटू बीटा वन। तो अब हम देख सकते हैं कि बीटा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा एम, इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है जीरो है, और इस लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो तो है, और इसका एक स्केलर क्या है, नॉन जीरो है। इसका एक स्केलर नॉन जीरो है, मतलब ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। यानी वो जो सेट S3 कंसिडर किए हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई, वो V को स्पान करता है और लीनियरली डिपेंडेंट है। और लीनियरली डिपेंडेंट है तो क्या होगा, अपने पहले आने वाले उसमें कोई एक वेक्टर ऐसा होगा जो अपने पहले आने वाले वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। वो वेक्टर हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा आई, जो अपने पहले आने वाले वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। वो वेक्टर बीटा वन नहीं हो सकता क्योंकि वो फर्स्ट एलिमेंट है, और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो थ्योरम प्रूफ किया है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वो सेकेंड या उसके बाद का वेक्टर होगा, इसीलिए वो अल्फ़ा में से होगा। तो इसलिए हम अल्फ़ा आई मान लिए, जो अपने प्रेसिडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब नया सेट S4 कंसिडर करते हैं। हमने क्या किया, जो अल्फ़ा का सेट था उसमें एक बीटा वन शामिल किया। अब बीटा वन शामिल करने से लीनियरली डिपेंडेंट आया, तो एक वेक्टर अपने प्रेसिडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन था, उस वेक्टर को हम हटा दिए यहाँ से। तो फिर एक नया सेट बीटा को शामिल किए एक, और एक अल्फ़ा को हम हटा दिए, तो एक नया सेट S4 आया। ये जो नया सेट आता हटाने के बाद वो भी वी को स्पान करता है। हम पहले थ्योरम में देख चुके हैं, पहले थ्योरम में ही देख चुके हैं कि एक वेक्टर को हटाने के बाद भी वो स्पान करते, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए क्लियरली करके। अब फिर बीटा टू वी का एलिमेंट है। अभी हमने बीटा वन, क्योंकि ये पूरा सेट वी का सबसेट है तो सारे एलिमेंट वी में होंगे, हम पहले बीटा वन को लिया और उसको S1 में शामिल किए, नया सेट S3 बना। अभी इस S3 डिपेंडेंट होने की वजह से एक वेक्टर को हटा दिए, फिर बीटा टू लेते हैं। अब बीटा टू फिर क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, LS4 इक्वल टू वी है, यानी बीटा टू इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो बीटा टू इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो फिर बीटा टू को इसमें शामिल कर लेते हैं। तो बीटा टू को शामिल करके एक नया सेट बनाए, फिर ये सेट क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। जैसे इसमें हुआ, यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ हुआ ना, वैसे जैसे बीटा को शामिल करेंगे ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा, और लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा तो फिर वो प्रॉपर्टी लगा देंगे कि इसमें फिर एक वेक्टर होगा जो अपने प्रेसिडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो इस प्रकार ये अपने प्रेसिडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, अल्फ़ा जे मान रहे हैं जो अपने पहले वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इस अल्फ़ा जे को हटा देंगे। तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ, क्या किए, बीटा को शामिल किए, नया सेट बनाए, ये डिपेंडेंट आया, फिर इसमें से किसको हटा दिए, अल्फ़ा को हटाए, एक अल्फ़ा को हटा के फिर नया सेट आया, फिर बीटा टू को शामिल किए क्योंकि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है बीटा टू, बीटा टू को शामिल करने से फिर लीनियरली डिपेंडेंट आया, तो फिर एक वेक्टर हटाए। तो इस प्रकार एक बीटा शामिल कर रहे हैं और एक अल्फा को हटा रहे हैं। ये देखिए अल्फा को हटा दिए, एक नया सेट आया। तो ये जो है रिप्लेसमेंट वाला प्रोसेस, बीटा को लाना और अल्फा को हटाना, ये क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि द सेट S1 ऑफ अल्फास कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बिफोर द सेट S2 ऑफ बीटा। अल्फा जो है जब तक पूरे बीटा नहीं आ जाते तब तक ये एग्जॉस्ट नहीं होगा, मतलब अगर पहले एग्जॉस्ट हो गया, मान लीजिए बीटा की संख्या 50 है और अल्फा की संख्या 30 है, तो क्या हो जाएगा ऐसे केस में कि अल्फा की जो 30 है पहले हट गए और 30 बीटा आ गए, अभी भी 20 बीटा बाकी है जो यहाँ पर
नहीं आए हैं। 20 बीटा अभी भी बाकी हैं, क्योंकि 50 बीटा है और अल्फा की संख्या 30 है, 30 अल्फा की जगह 30 बीटा तो आ गया, लेकिन 20 बीटा बच गया। तो ये 30 बीटा क्या कर रहा है, 30 बीटा वी को स्पान करेगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बेसिस होने के कारण 50 वेक्टर हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो 30 वेक्टर वाला सेट तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ही। क्यों? क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए वो जो 30 वेक्टर वाला जो सेट बोल रहे हैं बीटा यहाँ पर, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा और वी को स्पान करेगा, तो वही बेसिस हो गया। जबकि हम बेसिस 50 बीटा को लिए थे और यहाँ पर 30 बीटा ही मिलकर बेसिस तैयार कर दे रहे हैं, तो उस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रडिक्शन हुआ ना। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हम अल्फा की संख्या को बीटा की संख्या से कम मान रहे हैं, यानी अल्फा की संख्या बीटा से ज़्यादा या इक्वल होगा, यानी एम जो होगा एन के इक्वल होगा या एन से ज़्यादा होगा। तो अभी हम एस वन को बेसिस के रूप में लिए थे और एस टू को सबसेट के रूप में, अब हम दोनों का रोल बदल देते हैं, अब एस टू को बेसिस के रोल में ले लेते हैं और एस वन को सबसेट। तो ऐसे केस में उल्टा हो जाएगा वो इनइक्वलिटी, एम लेस देन आर इक्वल एन, और इक्वेशन टू और थ्री को मिलाएंगे तो एम इक्वल टू एन प्राप्त हो जाएगा और इस थ्योरम का प्रूफ हो जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर का लास्ट थ्योरम देखते हैं, पहले तो देख लेते हैं डेफिनेशन, डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस, किसी वेक्टर का डायमेंशन क्या होता है। तो अभी हम दो थ्योरम देखे हैं बेसिस पे, क्या क्या थ्योरम देखे हैं, एग्जिस्टेंस थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसका बेसिस एग्जिस्ट करेगा। और अभी जो हमने थ्योरम देखा जिसको हमने डायमेंशन थ्योरम बोला, वो ये बोलता है कि अगर किसी वेक्टर स्पेस के दो या दो से ज़्यादा बेसिस हैं तो उन सब में एलिमेंट्स की संख्या इक्वल होगी, उसी से ये डेफिनेशन आया। तो अब हम ये जान गए हैं कि किसी वेक्टर स्पेस के का अगर बेसिस है और बेसिस एक से ज़्यादा है तो सब में एलिमेंट्स की संख्या इक्वल होगी, तो जो एलिमेंट्स की संख्या होगी उसके बेसिस में वही उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कहलाता है। मान लीजिए वी एक वेक्टर स्पेस है, उसके बेसिस में 50 एलिमेंट्स हैं, तो उसका कोई भी बेसिस उठा के देखिए उसमें 50 एलिमेंट्स ही होगा। तो इससे ही क्लियर हुआ कि V के बेसिस में 50 एलिमेंट्स है, मतलब V का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 50। क्लियर हो गया। अब देखते हैं एक्सटेंशन थ्योरम क्या है। एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस यानी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए बेसिस ऑफ वी। वी मान लेते हैं, वी क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और एस कोई उसका एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, तो एस क्या हो जाएगा, उसके बेसिस का एक पार्ट होगा, यानी वो स्वयं एक बेसिस होगा या उसमें कुछ और एलिमेंट्स मिलाएंगे तो वो वी का बेसिस बनेगा, यानी वो वी के बेसिस का एक पार्ट होगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं, मान लेते हैं एस एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, किसका, वेक्टर स्पेस वी का। अब वी का डायमेंशन एन फाइनाइट डायमेंशनल है, तो मान लिया इसका डायमेंशन एन है, तो डायमेंशन का मतलब अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, इसका मतलब वी के बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे, एन एलिमेंट्स होंगे। मान लेते हैं क्या है, बीटा वन बीटा टू बीटा एन, इसके बेसिस में एन एलिमेंट्स हैं। तो अब एक नया सेट कंसिडर करते हैं, इस वन जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लिए थे ना अल्फा वाला, उसमें इस बेसिस को शामिल कर लेते हैं, ठीक। तो ये एस वन एक नया सेट बन गया। अब एस क्या है, वी का सबसेट है,
और वी का सबसेट है, मतलब एस के जितने भी मेंबर्स होंगे सारे अल्फा वी में होंगे, और वी किसके इक्वल है, एल एस डेस। एल एस डेस क्यों, क्योंकि एस डेस क्या है, बेसिस है, तो बेसिस वी को तो स्पान करता है, इसलिए क्या हो गया, एल एस डेस इक्वल टू वी, मतलब अल्फा जो है एल एस डेस का मेंबर होगा, जो भी अल्फा लें, यानी कोई भी अल्फा लेंगे वो बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब हम देखते हैं कि अगर अल्फा और बीटा का दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लें, तो जितने अल्फा हैं वो सारे अल्फा सब किसके लीनियर कॉम्बिनेशन है, बीटा के। इस प्रकार यहाँ से पूरा अल्फा हट गया, पूरा बीटा ही बीटा आ गया। अब बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन यानी वी का मेंबर, मतलब हम इसके मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वी का मेंबर प्राप्त होता है, तो इससे बोल सकते हैं कि एस वन वी को स्पान करता है। तो हम जो नया सेट कंसीडर किए, ये नया सेट कैसे मिला, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट था उसमें बेसिस के सारे एलिमेंट्स को मिला दिए, तो ये जो नया सेट बना वो एस वन मिला, और ये एस वन वी को स्पान करता है। और क्योंकि अल्फा जो है कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे, इसलिए एस वन क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। एस वन लीनियरली डिपेंडेंट होगा, तो डिपेंडेंट का थ्योरम लास्ट वीडियो लेक्चर में देखे हैं, और इस वीडियो लेक्चर में भी कई बार उपयोग कर चुके कि कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसमें एक वेक्टर होता है जो अपने प्रेसिडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो वही चीज़ लिखें, देन देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर इन एस वन विच इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रेसिडिंग वेक्टर्स, और ये जो वेक्टर होगा अल्फा में से नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा जैसे ये क्या बोल रहे हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसमें एक वेक्टर होगा जो अपने पहले आने वाले वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो अगर वो वेक्टर अल्फा लेते हैं तो ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का है, इसलिए वो वेक्टर कहाँ से होगा, बीटा से होगा, जो अपने प्रेसिडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। मान लिए वो वेक्टर क्या है, बीटा आई है, जो अपने पहले आने वाले वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इस बीटा आई को हम इस सेट से हटा सकते हैं। हम पहले के दो थ्योरम में भी यही किए हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो उसमें एक वेक्टर ऐसा होता है जो अपने प्रेसिडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, उसी वेक्टर को हम उस सेट से हटा देते हैं, तो बीटा आई को हटा दिए, तो जो नया सेट बनता है वो भी क्या करता है, वी को स्पान करता है, तो ये एस टू भी वी को स्पान करेगा। तो अगर एस टू लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो यही बेसिस हो जाएगा, और इस बेसिस अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बेसिस हो गया, और इस बेसिस में सारे अल्फा मौजूद हैं, मतलब एस के सारे मेंबर्स मौजूद हैं और बेसिस बन गया, तो उस बेसिस का पार्ट हुआ ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। क्लियर हुआ? अगर ये एस टू लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी डिपेंडेंट है, तो फिर से रिपीट करेंगे, फिर इसमें एक वेक्टर होगा जो अपने प्रेसिडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, फिर उस वेक्टर को हटाएंगे बीटा जे को, इस प्रकार एक एक बीटा हटाते जाएंगे। अब और इसको फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने पर हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट प्राप्त हो ही जाएगा जो वी को स्पान करता है। अब हम अभी इसके पहले थ्योरम में देखें कि जितने भी बेसिस हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो हमने इसका डायमेंशन एन माना है, मतलब इसमें भी कितने वेक्टर्स होंगे, एन वेक्टर्स होंगे, ऐसे बीटा को हटाते जाएंगे तो इसमें क्या होगा, कितने बीटा को हटाने से मिलेगा बेसिस, क्योंकि एम वेक्टर्स हैं, तो एन माइनस एम बीटा जब बचेगा हटाते, बीटा को हटाते यहाँ पर कितने बीटा बच जाएंगे, एन माइनस एम बीटा बचा, और एन अल्फा दोनों को प्लस करेंगे टोटल कितने मेंबर्स हो जाएंगे, एन मेंबर्स, तब जाके ये बेसिस बन जाएगा, क्योंकि बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो वही चीज़ लिखें, दिस सेट विल बी ए बेसिस ऑफ वी एंड इट विल कॉन्टेन, और वो किसको कॉन्टेन करेगा, एस को, क्योंकि अल्फा को नहीं हटा रहे हैं, अल्फा पूरा का पूरा सिर्फ बीटा को कम करते जा रहे हैं, इसलिए जो बेसिस मिलेगा वो एस को कॉन्टेन करेगा।
और फिर वही लॉजिक लगाया है, सिंस ईच बेसिस ऑफ वी कॉन्टेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देयर फॉर एग्जैक्टली एन माइनस एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ बीटाज। तो यहाँ पर ठीक एन माइनस एम एलिमेंट्स ऑफ बीटा एग्जिस्ट करेगा, तभी टोटल एन एलिमेंट्स बचेगा इस बेसिस में। तो इस प्रकार इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है, और इस थ्योरम के प्रूफ के साथ ही ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। और जो भी प्रॉब्लम होगा एक बार बुक से और पढ़ लीजिए, अगर प्रॉब्लम होगा तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।